स्त्री टू देखने से पहले किसी भी तरह का सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी भी तरह का कोई भी इस मूवी को लेकर वीडियो हो, कोई भी लेक्चर हो, कोई भी बकवास हो, तो उन सारी चीजों को बिना देखे ही स्क्रोल कर देना या फिर उनको हटा देना, क्योंकि अगर छोटा सा भी स्पॉयलर इस मूवी का देख लिया तो मूवी देखने का मतलब कुछ निकलेगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, स्त्री टू आ चुकी है 14 अगस्त के दिन। वैसे तो ये मूवी 15 अगस्त के दिन रिलीज होने वाली थी, लेकिन वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है, वो एक दिन पहले भी थिएटर में रिलीज हो सकती है। बात करूं, मैंने इस मूवी को देखा, 8:30 बजे का शो था, मूवी में देखकर जस्ट अभी घर आया, तो मैंने सोचा फटाफट इस मूवी का रिव्यू बनाऊंगा। उसके बाद मैं इसके बाद लगभग 2-3 घंटे के बाद मैं इसका पब्लिक रिव्यू भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन था। वेल मैं आपको बता दूं, थिएटर ऑलमोस्ट हाउसफुल था नाइट शो में, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मतलब कि वाकई में मतलब वो कमी पूरी करती पुष्पा टू वाली, क्योंकि ये वाली जो थिएटर फुल होने वाली जो बात थी ना, ये पुष्पा टू को लेकर चल रही थी, लेकिन स्त्री टू ने भी यूं कहूंगा कि भरपाई करती है। बात करूं मूवी की स्टोरी के बारे में, तो लेकिन मैं आपको बता दूं, बात करूं मूवी की स्टोरी के बारे में का मतलब ये है कि स्टोरी के बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा, लेकिन अब बहुत सारी बातें कही जा रही थी बड़े बड़े यूट्यूबर्स, अपन तो छोटे मोटे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स कह रहे थे कि फिल्म में ये हीरो होगा, फलाना ढिकाना होगा, ये इसका केमियो होगा, वो होगा, तो भैया वो सब चीज़ें नहीं है। हाँ, कुछ एक केमियोज हैं जो आपको बहुत भयंकर वाला सरप्राइज कर सकते हैं, लेकिन जिन बड़े बड़े एक्टर्स का नाम लेकर कहा जा रहा था ना कि इसका केमियो होगा, उसका केमियो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिल्म की कहानी जो है वो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मोटा मोटा बता दूंगा। ट्रेलर में जो आप लोगों ने देखा उससे थोड़ा सा रिलेट करके मैं आपको बता देता हूँ। तो फिल्म की कहानी में विक्की है, सॉरी वो विक्की नहीं, वो विक्की है, विक्की इंदौरी, तो मैं हूँ। तो अगर मेरा नाम अच्छा लगा, मेरा चैनल अच्छा लगा, वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो भैया इस फिल्म के जो लीड एक्टर हैं उनका नाम विक्की है, जो कि राजकुमार राव प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा जना है, इसके अलावा और भी उनके 2-3 दोस्त हैं। पंकज त्रिपाठी हैं, जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस वाली फिल्म में भी, पुरानी वाली में भी उनका काम बहुत अच्छा था और इस वाली में भी उनका काम बहुत अच्छा है। इसके अलावा फिल्म में है मिस्टीरियस लड़की, यानी कि कहूंगा कि बेनाम लड़की, जिसका नाम नहीं दिखाया गया है, जिनका नाम है श्रद्धा कपूर, जिनके ऊपर ये पूरी फिल्म बनी है। स्त्री कौन है ना, हमें पहले पार्ट में दिखाया गया था, सेकंड वाले पार्ट में भी आप कंफ्यूज रहोगे, लेकिन आप बात करूं इस फिल्म में एक जो यूं कहूंगा नया कैरेक्टर आया, उसका नाम है सरकटा। सरकटा कौन है, उसकी कहानी क्या है, ये देखने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगी। वो क्या करता है क्या नहीं करता है, क्योंकि जैसे पहले वाले पार्ट में होता है कि स्त्री आदमियों को यानी कि पुरुषों को मर्दों को लेकर जाती है, इस वाले पार्ट में सरकटा लड़कियों को उठाकर ले जाता है। वो उनका क्या करता है वो भी उसकी एक छोटी सी झलक ट्रेलर में दिखाई गई थी, लेकिन मूवी में है ना कहानी बिल्कुल मतलब ऑपोजिट कर दी है। मतलब ट्रेलर में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उससे बिल्कुल अलग कहानी है, बिल्कुल मतलब उल्टी तो नहीं कहूंगा, बट 70-80% जो है वो कहानी बहुत अलग है। बात करूं केमियोस के, तो केमियोस को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही थी। हाँ ऑब्वियसली ये मूवी जो है वो यूनिवर्स है, यूं कहूंगा कि मुझिया, इसके अलावा भेड़िया, उसके अलावा स्त्री और स्त्री टू, इन सबको मिलाकर यूं कहूंगा कि आने वाले टाइम में बहुत सारी मूवीज हमको देखने की मिलेगी। पोस्ट क्रेडिट सीन भी है फिल्म में, जैसा कि मुझिया फिल्म में था, जिसकी फिल्म मतलब जिसके एंड में हमें भेड़िया को दिखाया गया था, इस फिल्म में भी एक आपको यूं कहूंगा कि पोस्ट क्रेडिट दिखाया जाएगा, लेकिन हाँ उसको देखना जरूर, ऐसा छोड़ के मत आ जाना, क्योंकि मजा तो आएगा। मतलब यार अच्छा लगता है जब आप अपनी भारत की फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में आप यूं कहूंगा कि एंड तक रुकते हो, जैसा मार्वल डीसी की मूवीज में होता था, और पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हो। फिल्म बहुत इंगेजिंग है, फिल्म बहुत इंटरटेनिंग है, फिल्म में डराया कम है, हंसाया ज़्यादा है। मतलब आप ना इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, बहुत कम ऐसी हॉरर फिल्में होती है जो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। स्त्री भी वैसी ही थी, भेड़िया भी वैसी ही थी, इसके अलावा मुझिया भी वैसी थी, वहीं स्त्री टू भी वैसी है। रूही मूवी भी जो थी वो इसका पार्ट होने वाली थी, लेकिन वो होगी कि नहीं होगी उसके लिए भी आपको मूवी देखना पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेकर्स ने दिखाई है ना, तो बहुत सारी चीज़ें मेकर्स ने छुपाई है अभी तक टीजर ट्रेलर इसके प्रमोशन में। तो रूही का क्या फंडा है वो आप जब मूवी देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। बात करूं केमियोज की, तो केमियोज जैसा मैंने बताया, नाम बड़े दर्शन छोटे, जिनका नाम सोच के जा रहे हो, जिनके बारे में सोच के जा रहे हो, उनके केमियोज नहीं है, बट जिनके केमियोज है उनके बहुत शानदार तरीके से केमियोज है। इसके अलावा मूवी ना अभी तक ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन के सामने खड़ा हूँ, बहुत अच्छी मूवी है। श्रद्धा कपूर के लिए 10 out of 10, राजकुमार राव के लिए 8 out of 10, क्योंकि कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इस फिल्म में राजकुमार राव ना साइड हीरो हो गए। बात करूं तमन्ना भाटिया की, तो हाँ उनसे ज़्यादा अच्छा काम ना मुझे इसके पहले जो नोरा फतेही थी ना उनका ज़्यादा, और मुझे आइटम सॉन्ग भी उनका ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली यार जो चीज़ें उनके पास है वो तमन्ना भाटिया के पास कहाँ ही है। ओनली लीजेंड नोस। तो हाँ बात करूँ बाकी चीज़ों की, तो तमन्ना भाटिया का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है जैसा कि उसमें नोरा फतेही का था, उससे थोड़ा सा बड़ा रोल है उनका, बट हाँ इतना ज़्यादा उनको भाव देने की जरूरत नहीं है। बाकी कैरेक्टर्स अच्छे हैं इस फिल्म में, कुछ एक नए कैरेक्टर्स भी हैं जिनका काम अच्छा है, बट मैं मिस कर रहा था विजय राज सर को। पहली वाली में विजय राज का छोटा सा रोल था लेकिन बहुत तगड़ा था, इस वाली में तो यार ऐसा लग रहा था कि यार
बस आ जाए। इसके अलावा बाकी सारे एक्टर्स भी मैं सोच रहा था कि यार बस उसको ना उस वाले गेटअप में दिखा दें, उस वाली चीज में दिखा दें। तो यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि बॉलीवुड की जो आने वाली हॉरर मूवीज हैं उनका एक यूनिवर्स बनेगा और उसको देखकर मजा आएगा। तो कहीं ना ऐसा लग रहा सब बता दूं ऑडियंस को, लेकिन ऐसा है कि कंट्रोल मजनू, कंट्रोल सॉरी कंट्रोल उदय, कंट्रोल। हाँ तो मूवी आप एक बार देख सकते हो मूवी को, इवन अगर मैं कहूँ तो बच्चों को ज्यादा अच्छी लगेगी मूवी, मूवी को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। इसके अलावा फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म को 4 out of 5। बाकी कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, बट हाँ इस फिल्म में आप श्रद्धा कपूर से 1 मिनट के लिए भी नजर नहीं हटा पाओगे। वो जहां जहां पर दिखे ना 100% दिया उन्होंने, और इसके अलावा वो जहां जहां पर स्क्रीन पर दिखे ना उनको देखकर मजा आता है। तो दोस्तों ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है, मूवी को देख सकते हो। इसके अलावा बाकी मूवीज कैसी होगी वो तो आप कल सुबह ही पता पड़ेगा, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग में खेल खेल में मूवी देखने वाला हूँ, जिसकी यूं कहूंगा बाकी कंट्रीज से तो रेटिंग अच्छी आई है, उसे बहुत ज्यादा फनी मूवी कहा जा रहा है। तो देखने के बाद ही पता पड़ेगा कि यार ये मूवी एज इट इज है या फिर इस मूवी को बदल दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी लगभग जो ओपनिंग लेगी, मतलब आज जो एक दिन पहले 14 अगस्त के दिन जो इसके सिर्फ 2 या 3 शो चलाए गए मल्टीप्लेक्स में, बात करूं सिर्फ उन शोज की, तो ये मूवी जो है ना ये सिर्फ उन शोज से लगभग 8 से 10 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। कल 15 अगस्त के दिन ये जो मूवी कलेक्शन करेगी ये लगभग 40 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली है। बाकी फिल्मों को क्या होगा वो तो राम जाने, बाकी तो देखते क्या होता है। मेरे साइड से मेरे को जो कुछ भी मूवी के बारे में कहना था मैंने कह दिया, आपको क्या कहना है आप कह सकते हो, आपकी क्या राय है मूवी के बारे में आप कह सकते हो। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना दोस्तों। फिलहाल के लिए चलता हूँ, दुआ में याद रखना, जय हिंद जय भारत, ओ स्त्री प्लीज रक्षा करना।